फ्रेंड्स, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बीसीए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं, रैंक अलॉटमेंट ले चुके हैं अपना, तो उनके लिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उनका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, कैसे आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है और कितने कट ऑफ तक के बच्चे, कितने रैंक तक के बच्चे अच्छा कॉलेज ले पाएंगे आईपी यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बनाते हैं एजुकेशनल वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो डेट है वो शिफ्ट हो गई है। जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी 18 ऑफ जून से, अब वो स्टार्ट होने वाला है 25 ऑफ जून से, राइट। बट जो 25 को जो डेट दिया है उसके नीचे भी टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, वो भी शायद आगे जाके एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग साथ साथ चलती है, इसलिए थोड़ा सा वो पॉज लगाएंगे अपनी काउंसलिंग पे ताकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में क्लैश ना हो, बच्चों के लिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो आप एक जगह पे एक ही टाइम पे एक बार एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप आईपी में भी अपना एडमिशन करा रहे हो, डीयू में भी अपना एडमिशन करा रहे हो, एमएटी में भी अपना एडमिशन करा रहे हो। सबसे बेस्ट आपके लिए यही है कि आप काउंसलिंग लो, दोनों अटेंड करो साथ के साथ, जहां आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूं बीसीए स्टूडेंट्स को। जो भी बच्चे अभी अप्लाई करेंगे काउंसलिंग वाला प्रोसेस आपको स्किप नहीं करना है, बट उसके लिए भी आपको ये देखना है कि आपका रैंक कितना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड रहते हैं कि उनका रैंक, वो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने बात करता हूँ तो उनको लगता है कि अगर हमने रैंक लेके आ गए हैं, अगर हमारा आईपी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो मतलब हमारा एडमिशन हो जाएगा आईपी में। बट ऐसा नहीं है, रैंक लाने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू स्कोर वेल फॉर गेटिंग एडमिशन इन आईपी। और हमको कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमको लगता है कि मेरा 6000 रैंक आया तो बहुत अच्छा रैंक आया है, क्योंकि बीबीए वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे 18000 रैंक, 19000 रैंक आ रहा था। बट अगर आपका बीसीए में 6000 रैंक आया है तो मतलब कि आपका एडमिशन इम्पॉसिबल ही आया एक तरीके से आईपी के अंदर, राइट। सो जो बच्चे अच्छा रैंक लेके आए हैं, ऑन एवरेज रैंक लेके आए हैं, उनके लिए आज हम थोड़े कॉलेजेस डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे कैसे आपको अपना कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग करना है। और जिन बच्चों का रैंक ठीक नहीं आया है, अच्छा नहीं आया है और चाहते हैं कि बीसीए करना है उनको, तो उनके लिए भी आज हम थोड़े बहुत ऑप्शन डिस्कस करेंगे, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लिस्ट बनाई है बीसीए का और इसमें मैंने थर्ड राउंड का कट ऑफ लिखा है और चॉइस फिलिंग के लिए मैंने कॉलेजेस का ऑर्डर लिखा है। तो जो भी बच्चे अच्छा रैंक लेके आए हैं वो इस चॉइस फिलिंग के प्रोसेस के थ्रू चॉइसेस को रख के अपना कॉलेज ले सकते हैं। स्टेजेस चलती है, तीन स्टेज होती हैं इसकी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। ये मैंने थर्ड राउंड के हिसाब से बनाया कि मैक्सिमम इतना जाता है रैंक थर्ड राउंड तक। ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में ही बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आउटसाइड दिल्ली वाले के लिए खास तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि उनका रैंक बहुत अच्छा होता है बट फर्स्ट राउंड में उनको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हो पाता। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कि MSIT मैंने लिखा है तो उसके आगे ये मॉर्निंग शिफ्ट की कट ऑफ है और ये इवनिंग शिफ्ट की कट ऑफ है, ठीक है। दो शिफ्ट में कॉलेजेस बहुत सारे हैं आईपी में, तो उसकी मॉर्निंग का ये है और इवनिंग का ये वाला मैंने पार्ट बीच में स्लैश करके डिवाइड करा है। तो हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है MSIT कॉलेजेस, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का रैंक आया है 500 तक रैंक आया है, दिल्ली के बच्चे, ये दिल्ली वालों के लिए है या आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है, तो दिल्ली में जिन भी बच्चों का रैंक 500 तक आया है बीसीए में, उनको आसानी से MSIT कॉलेज थर्ड राउंड तक मिल जाएगा। और जिन बच्चों का 700, 750, 800 तक भी रैंक आया है, उनको थर्ड राउंड में MSIT कॉलेज मिलने के बहुत बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं उनको अराउंड 420 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में, 800 रैंक तक के बच्चों को सेकेंड शिफ्ट में उनको भी एडमिशन मिल सकता है आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड नंबर पर हमको रखना है विप्स कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में। विप्स क्या है? विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जो कि पीतमपुरा में है। पीतमपुरा के इस कॉलेज में 600 तक जाती है फर्स्ट शिफ्ट की रैंक, सेकंड शिफ्ट में जाती है 1200, मतलब 1140 से मतलब 1200 तक मान सकते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए 545 और मैक्सिमम जो रैंक जा रही है 965 तक जा रही है। तो आप देखोगे कि टॉप कॉलेजेस में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आउटसाइड दिल्ली और इनसाइड दिल्ली के बीच में, बट जो कॉलेजेस एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है,
जैसे कि आप यही देख सकते हो, एक कॉलेज हमारे पास थर्ड नंबर पर जो टॉप कॉलेज में आता है आईपी का, ये कॉलेजेस की रैंकिंग भी है और उसी हिसाब से मैंने चॉइस फिलिंग के लिए आपके लिए ये शीट बनाई है। सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे कॉलेजेस के लिए। वो पोर्टल मैं बाद में बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अभी मैं कोर्स वाइज बता रहा हूं कि आपकी लिस्ट कैसे बन रही है। सो जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपकी चॉइस फिलिंग करते हुए दिखाऊंगा, उसमें आप सारे अपने अपने कोर्सेज की चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड नंबर मैंने रखा है अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आईपी का ये सिंगल कॉलेज है जिसकी फी है 40-50,000 पर ईयर के बीच में। सो इसका जो रैंक जाता है वो है 1120, मतलब 1200 तक अगर आपका रैंक है दिल्ली वाले बच्चे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट जहाँ पे आप देखते हो कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे तो 495, मतलब 500 तक ही आपका रैंक क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपना अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रख सकते हो 500 रैंक तक। और फोर्थ नंबर पे हम रखेंगे जिम्स रोहिणी जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहिणी में ये कॉलेज है। इसका फर्स्ट शिफ्ट में जो जाता है दिल्ली वाले बच्चों के लिए वो है 1249, मतलब 1300 रैंक तक का बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है थर्ड राउंड तक उसको ये कॉलेज मिल जाए। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में ये जा रहा है 1845 इसका रैंक है, मतलब 1900 तक आप देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए 1224, और सेकंड शिफ्ट में जा रहा है 2068 जिम्स रोहिणी के लिए। इस नंबर पर हम डिस्कस करेंगे आईआईटीएम कॉलेज। अब देखो आईआईटीएम के तीन कैंपस है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तीन कैंपस है, तीनों ही कैंपस का जो कट ऑफ है बहुत अच्छा है, बट इनके अंदर जो इंटीग्रेटेड वाला है उसका कट ऑफ और भी अच्छा है। आईआईटीएम नाम से मतलब तीन कैंपस है इसके अंदर, तो जो मैं आपको इसमें मैंने लिखना भूल गया, 3 और 4 के बीच में आप उसको लिख सकते हो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसका भी कट ऑफ अराउंड 1200-1300 के बीच में जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इसको भी आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस में डाल सकते हो। तो फिफ्थ नंबर पर जो मैंने लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला लिखा है, इसका फर्स्ट शिफ्ट में जाता है 1303, मतलब 1350 तक का रैंक का बच्चा यहाँ पे वेट कर सकता है। सेकंड शिफ्ट में 2354, मतलब 2400 रैंक तक सेकंड शिफ्ट में आपको एडमिशन मिल सकता है। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे के लिए 1200 रैंक फर्स्ट शिफ्ट में और 1600 रैंक थर्ड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जिम्स वसंत कुंज, जो कि इसी का दूसरा ब्रांच है रोहिणी वाले का, जिम्स वसंत कुंज। इसके फर्स्ट राउंड में आपको 1500 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो, ठीक है। सो दिल्ली वाले बच्चों के लिए 1500 है। सेकंड शिफ्ट में 2657, मतलब 2700 रैंक तक बच्चा वेट कर सकता है इसके सेकेंड शिफ्ट के लिए। फर्स्ट शिफ्ट में आउटसाइड दिल्ली का बच्चा 1000 रैंक तक वेट कर सकता है और जो सेकेंड शिफ्ट है उसके लिए 1700 रैंक। तो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टाइमिंग्स का डिफरेंस है। टाइमिंग्स क्या रहती है कि फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 9 से 3 तक की, 9 से 3 मतलब 3:30 तक आपका क्लासेस ओवर हो जाता है। जो सेकेंड शिफ्ट का जो कॉलेज होता है उसकी क्लासेस की टाइमिंग होती है 12:30 से 7:00, 12:30 to 7 PM आपकी क्लासेस चलती हैं। सो ये थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस होता है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद सेवन्थ नंबर पे ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जो कि द्वारका सेक्टर 9 के पास है, इसका भी रैंकिंग जो है मतलब सेवन्थ नंबर पे, 8th नंबर पे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। 266, मतलब 2700 रैंक दिल्ली वाले बच्चे के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है और 3500 तक आप वेट कर सकते हो थर्ड राउंड में सेकेंड शिफ्ट के लिए। आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक आई हुई है इसके अंदर। 8th नंबर पे मैंने रखा है आईआईटीएम कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो इसका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर 2500 तक आप थर्ड राउंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्या कहते हैं, इसका सेकंड शिफ्ट में आपको 3000 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। वहीं अगर आप आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ गई है। सो ये एक लिस्ट है जिसको आप अपने चॉइस फिलिंग में यूज कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों का रैंक इस स्लॉट में नहीं आ रहा, ठीक है, 3000 से जिन बच्चों का रैंक नीचे है, उनके लिए जो कॉलेजेस हैं वो अपने लोकेशन के हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को फिल कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब कॉलेजेस फिल करने से आपको, देखो थोड़ा बहुत
आपको एक्सेप्ट भी करना है कि अगर आपका इतने कट ऑफ में रैंक नहीं आ रहा तो आप एक स्मार्टली एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो आपके लिए आने जाने में एटलीस्ट कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो जो बच्चे जिनका रैंक थोड़ा 3500 से ऊपर का जितना भी रैंक है आईपी यूनिवर्सिटी में, वो सारे बच्चे अपने आसपास की लोकेशन के हिसाब से कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाना शुरू करें, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लाइक आपका चंद्र प्रभु जैन कॉलेज जो कि नरेला में है, अगर आप रोहिणी में रहते हो तो रोहिणी से आप अप डाउन कर सकते हो चंद्र प्रभु जैन कॉलेज में। सो उनके कॉलेज की फर्स्ट की कॉलेज बस की भी फैसिलिटी है। कस्तूरीराम कॉलेज है, कस्तूरीराम कॉलेज की भी जो है बस फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। श्री फोर्ट कॉलेज वो भी रोहिणी में पड़ता है, अगर आपका रैंक 3500 तक आया हुआ है तो आप 9th नंबर पे श्री फोर्ट कॉलेज को भी रख सकते हो। सो इसके बाद आपके पास गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, इसका रैंकिंग भी 3600 तक जाता है GTBIT का। सो 9th एंड 10th नंबर पे मैं आपको बोलूँगा कि श्री फोर्ट कॉलेज और 10th नंबर पे आप GTBIT कॉलेज रख सकते हो। सो ये आपकी प्रेफरेंस शीट बन के आएगी। इसके अलावा आपका कुछ भी रैंक है, मतलब 4000 से नीचे अगर आपका रैंक है तो आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी कॉलेज आपको सुटेबल लग रहा है आने जाने में वो कॉलेज आप ऑप्ट कर लो, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि भाई लोग रैंक कॉलेज से नहीं पढ़ना है, BCA नहीं करना है, तो आप एक अच्छा सा प्राइवेट ऑप्शन ढूंढ लो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और एक ये आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अगर आप अपना बेस अच्छा बना लोगे, अच्छे से स्टडी कर लोगे, तो आपको मास्टर्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर भी आप जॉब करोगे, जॉब प्रोफाइल के अंदर अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आपको प्रमोशंस में भी बहुत दिक्कत होगी, और पार्शियलिटी आपको देखने को मिलेगी कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह देखोगे आप प्रेफरेंस दी जाती है एक मास्टर्स स्टूडेंट्स को। सो BCA सफिशिएंट नहीं है आपके करियर के लिए, BCA के बाद आपको आगे MCA भी करना है, और MCA के लिए आपको एक अच्छा बेस बनाना ज़रूरी है। मैटर नहीं करता आपने कहाँ से BCA करा है, जैसे कि अभी आपके 12th के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे, सिर्फ आपका मैटर कर रहा है आपका रैंक कितना आया है। जिस बच्चे के 90% आया है, अगर उसका रैंक आया है 6000 तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ध्यान देना है, आगे जाके आपको NIMCET की तैयारी करनी है, तो उसकी एलिजिबिलिटी है BCA, और BCA पे ये मेंशन नहीं है कि BCA MDU का है, BCA IPU का है, BCA MAT का है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। ऑल यू नीड टू हैव अ गुड ऑप्शन विद अ प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट डिग्री, UGC एफिलेटेड होना चाहिए। जिन बच्चों का भी रैंक अच्छा नहीं आया है तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव वेरी गुड ऑप्शंस फॉर BCA इन दिल्ली, राइट। और दिल्ली में ही अगर आपको पढ़ना है या फिर NCR में पढ़ना है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको BCA वैल्यूएबल डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। सो ये था प्रोसेस चॉइस फिलिंग का, और मतलब चॉइस फिलिंग का ये मैंने एक लिस्ट बनाया है, जब हम करेंगे आगे जाके, अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ये तो इस ऑर्डर में तो आपको अपने कॉलेजेस रखने हैं, और चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, रजिस्टर कैसे करेंगे, वो हम एक वीडियो के थ्रू समझ लेंगे आगे जाके। सो अभी हमको वेट करना है, काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी 25th of June से, सो विल मेक अ प्रॉपर वीडियो, उसके बाद आप ये अपना चॉइस फिलिंग चूज कर सकते हैं, राइट। और BCA के स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।